पेइंग गेस्ट में रोल मिलने के लिए मैंने सुभाष जी को पैसे दिए. आई वॉज एक्चुअली द पेइंग गेस्ट इन द फिल्म. बट अपना सपना मनी मनी के बाद सुभाष जी ने कुछ बहुत अच्छा सोचा मेरे लिए. एंड दिस कैरेक्टर जो उन्होंने कंसीव किया एक बहुत ही भयानक लुकिंग कैरेक्टर है. मोटी मोटी मूछें हैं. लुक्स वेरी थ्रेटनिंग. लेकिन जब बात करता है तो तकलीफ हो जाती है. तो इट्स अ वेरी नाइस इंटरेस्टिंग कैरेक्टर. ये कोई ऐसी फिल्म नहीं है जहां हम लोग यू नो हीरो या हीरोइन है. वी ऑल आर कैरेक्टर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन वन मूवी. ऑल एक्टर्स आर प्लेइंग कैरेक्टर्स एंड यही खासियत है इस पिक्चर की मेरे ख्याल से. आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस फिल्म. इसमें जैसे कि पोस्टर आपने देखे होंगे कि श्रेयस एंड जावेद लड़की बने हुए हैं. और दिस द रीज़न दे आर गर्ल्स बिकॉज हम लोग बैंकॉक में. द फिल्म इज सिचुएटेड इन बैंकॉक. इट्स सिचुएटेड इन थाईलैंड. और वहाँ से हमको निकाल दिया जाते हैं. और जॉनी बाय जो है वो लैंडलॉर्ड है और उनकी कंडीशन होती है कि ओनली कपल्स आर अलाउड. तो उस तरीके से वी गेट इनसाइड एंड इट स्टार्ट्स ऑफ फ्रॉम देयर एंड टिल द एंड इट्स डैम फनी. हीरोइंस को तैयार होने में इतना वक्त क्यों लगता है? सो नाउ आई नो, क्योंकि मुझे खुद कुछ दो ढाई घंटे लगते थे रेडी होने में. और सबसे पहले हम लोग का कॉल टाइम रहता था बिकॉज देखो लड़कियाँ तैयार होना है. सो काफ़ी सारा टाइम लगता था. एंड यू नो जस्ट कैरिंग योर सेल्फ विद दैट घाघरा एंड साड़ी एंड एवरीथिंग इज़ टफ जॉब. सो यू नो थम्स अप टू ऑल आर हीरोइंस ऑफ द इंडस्ट्री. और अगर उन्हें देर लगती है उनके लिए रुकना पड़े तो अब इससे आगे मुझे बिल्कुल कभी कंप्लेन नहीं होगी. वेल पेइंग गेस्ट यू आर राइट एज इट्स अ कॉमेडी. इसके बारे में खास ये है कि ऑफकोर्स एक बहुत वर्ल्ड वाइड हिट प्ले है उस पर से अडेप्ट की गई है. तो ऑफकोर्स ये एक तरह से जो फॉर्मूला है वो काफ़ी सारे ऑडियंसेस ने ऑल ओवर द वर्ल्ड पसंद किया है. तो ऑलरेडी इसको एक ऑडियंस रिएक्शन मिल चुकी है दैट ऑडियंस इसे पसंद करती है. तो एक तरह से ऑडियंसिस को थिएटर्स में आने के लिए एक इंसेंटिव मिल जाता है कि अच्छा ये एक बड़ा हिट प्ले है और अभी इसे जाने माने कलाकार पेश कर रहे हैं तो यू शुड कम टू द थिएटर्स फॉर इट. कभी ना कभी तो ऐसा होना था और कभी ना कभी ऐसा होना चाहिए था पहले. अब हो रहा है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग. यू नो म्यूजिशियंस आर गेटिंग लॉट ऑफ अप्रिसिएशन फॉर देयर वर्क. अभी आपने देखा मिर्ची मूवी, मिर्ची का अवार्ड हुआ. वहाँ पर म्यूजिशियंस वो रियली टेकन केयर. म्यूजिक डायरेक्टर्स का काम काफ़ी आगे आया. सो थिंग्स आर कमिंग अप. म्यूजिक इज़ रियली डूइंग वेल. एंड आई वांट टू वेरी फ्रैंकली एंड वेरी ओपन हार्टेडली टेल पीपल के यू नो आवर बॉलीवुड म्यूजिक इज़ नंबर वन ऑल ओवर द वर्ल्ड. फिल्म की जो मूड है, फिल्म का जो एक सुर है उसके हिसाब से म्यूजिक दिया गया है. तो वही अच्छा म्यूजिक होता है जो फिल्म के सुर से चले. ऐसा नहीं कि यार आप राग मालकोस गा रहे हैं वहाँ पे आप कोई दूसरा कोई राग चल रहा है. बिकॉज इट हैज़ टू बी टुगेदर, इट शुड बी इन सिंक विद द फिल्म. तो इस फिल्म के मूड के हिसाब से जो म्यूजिक बनाया गया है और बहुत ही अच्छा म्यूजिक है. और जो फिल्म की एक पेस है, रवानगी है, उसके साथ म्यूजिक जा रहा है. जैसे जैक एंड जिल जो गाना है उसका एक अलग मूड है. या रब्बुल आलमीन का एक वो सिमिलर में है. बट बिकॉज फिल्म का मूड और वो जो सिचुएशन जो है वो सिमिलर है. The script was so it was so funny. I mean, each and every scene, each and every character, every dialogue, the screenplay was so it was very funny while we were reading the script. So while acting in it, we had an even better experience because the director knew what he was doing. And I think since he carved out each and every character so well and everyone played their part so well in the situation, we were just laughing from beginning to end. We didn't feel like we were acting. We actually felt like we were enacting what is going on. So yeah, we had a great time while shooting for the film. It is definitely a film that has a lot of content, entertainment obviously, crazy stuff jo aap ek comedy film se expect karte hain. ओवरऑल एक फिल्म ऐसी जो मैं हमेशा अपने करियर में करता जाऊंगा और करना चाहूंगा. इट्स अ फन फिल्म. इट्स नॉट आई वोंट से इट इज़ द प्लॉट इज़ फ्रेश और यू नो द स्टोरी लाइन इज़ फ्रेश बिकॉज पीपल हैव सीन गाइज चेंजिंग इन टू गर्ल्स. बट आई फील द गैग्स आर फ्रेश. यू नो दैट इज़ वॉट विल मेक दिस फिल्म स्टैंड अपार्ट. द गैग्स आर फ्रेश, द लाइन्स आर फनी, द वे दीज गाइज हैव परफॉर्म्ड इज़ ब्रिलियंट. श्रेयस एंड जावेद आर आउटस्टैंडिंग. सो इट्स गोइंग टू बी अ फन फिल्म फॉर एवरीबडी. टू वॉच मोर लॉग ऑन टू www.erosentertainment.com.